हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं, फिर से कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यही कहूंगा, दोस्तों जो भाई लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप करेक्ट प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। कोजियन इन्फोटेक आपको हर वो बारीकी, हर वो चीज सिखाने की कोशिश करता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोग देख रहे हो कि मैंने सक्सेसफुली अपना क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी अपनी वर्डप्रेस की होम पेज पर क्रिएट कर लिया था। आप लोग देख सकते हो, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया था। अब उसके बाद जो अगला सेक्शन आने वाला है मेरी इस वेबसाइट में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो kojianinfotech.com है ये HTML वर्जन है। मैं इसको अब अपडेटेड वर्जन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि न्यूली डिजाइन कर रहा हूँ वर्डप्रेस के अंदर। और अब मैं यहाँ पर क्लाइंट का जो टेस्टोमोनियल होता है, यानी कि कुछ क्लाइंट के लिए जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो वो आपसे खुश होकर आपकी सर्विसेज के बारे में रेटिंग देते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, सुंदर है, उनको हम लोग क्लाइंट के टेस्टोमोनियल के नाम से जानते हैं। तो उनको ऐड हम लोग कैसे कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में, आज इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो HTML वेबसाइट में ये क्लाइंट का टेस्टोमोनियल सेक्शन पहले से बना हुआ है HTML में, लेकिन वर्डप्रेस में हम लोग इसे कैसे ऐड कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं, कुछ नया लेआउट कैसे ला सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग वो सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं इसको यहाँ पर अनेबल विजुअल बिल्डर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैं वर्डप्रेस डीबी थीम में बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे डीबी थीम में काम करना बहुत आसान लगता है, बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं अपनी हर क्लाइंट की वेबसाइट, इवन मैं अपनी वेबसाइट भी डीबी थीम के थ्रू बना रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा हूँ। और जो भी जितनी वीडियो बना रखी है मेरे इस चैनल पर, आप लोग अगर जाओगे देख सकते हो यहाँ पर ये चैनल बना हुआ है, और यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने वो तमाम वीडियो बनाई है, वो तमाम वीडियो वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों प्लीज जो भाई अभी तक वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, या जो लोग डरे हुए हो कि वर्डप्रेस बहुत बड़ा हुआ है, कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग आसान तरीके से इस वीडियो, इस चैनल पर बहुत आसान तरीके से, बेसिक तरीके से, स्क्रैचिंग से आसानी से एक अपना अच्छा वर्डप्रेस वेबसाइट या क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो सीखने के बाद। तो दोस्तों मेरी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा भाई लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो और इस पर वीडियो वॉच करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस पर बहुत बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बहुत बारीकी तरीके से सिखाई गई है दोस्तों। तो अब ये यहाँ पर एडिट हो गया है, और अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया है, रेगुलर में जाते हैं, और मैं अब यहाँ पर दो सेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने दो कॉलम यूज कर लिए हैं। उससे पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ये सेक्शन बनाए हुए हैं दोस्तों, इसका जो साइज है, इस वर्डप्रेस वेबसाइट का जो साइज है वो 90% पर है, तो मैं इस थ्रू आउट द इस वेबसाइट में 90% साइजेस यूज करने वाला हूं। और उसके बाद यहां पे दोस्तों एक स्लाइडर का ऑप्शन आता है, आप लोग देख सकते हो मैं यहां पर उस स्लाइडर को यूज करने वाला हूं, और उस स्लाइडर को यूज करके आप लोगों के सामने टेस्टिमोनियल क्रिएट करने वाला हूं दोस्तों। जी हां,
स्लाइडर फंक्शन को यूज करके कैसे हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट में अपने टेस्टिमोनियल को ऐड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं, यानी कि कुछ नया तरीका सीखने वाले हैं। क्योंकि अभी तक स्लाइडर को यूज करके हम लोग अपना जो स्लाइडर है वो ऐड कर पाते थे, लेकिन आप लोग कैसे टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो इस यूनिक फंक्शन के थ्रू, स्लाइडर के थ्रू, वो चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका वेबसाइट है, जैसे मेरा ये वेबसाइट है और इसका जो क्लाइंट का नाम है, मैं इसका सोर्स पेज में चला जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वहां से कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग कैसे यूज कर पाओगे क्लाइंट का नाम, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैंने अभी यहाँ पे क्लाइंट का नाम दे दिया है। आप लोग देख सकते हो क्लाइंट का नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है दोस्तों। उसके बाद या फिर आप ये कह सकते हो मैंने टाइटल को यूज ही नहीं किया है, जो बटन है मेरा वहां पर मैंने क्लाइंट का नाम लिख दिया है और स्लैश लिख दी कर दिया है इस तरीके से। और जो उसका टेक्स्ट है दोस्तों उसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया दोस्तों। ये मेरी ही वर्डप्रेस वेबसाइट है, यानी कि ये मेरा ही HTML का वेबसाइट है, पुराना वर्जन है, मैं इसी को रीडिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी वेबसाइट से ऐसे टेक्स्ट कॉपी मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना कॉपीराइट का इशू हो सकता है आपकी वेबसाइट में। आपको अपना कंटेंट, अपनी इमेजेस, सारी चीजें अपनी यूज करनी है, और या फिर एडिट करके, कुछ एडिट करके, यानी कि कंटेंट को मॉडिफाई रीराइट कर ही यूज करना, अदरवाइज आपको कॉपीराइट का इशू हो सकता है। क्योंकि ये मेरी ही वेबसाइट है इसलिए कॉपीराइट का इशू नहीं है, इमेजेस का इशू नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं इनको यूज कर रहा हूं, आप लोग ऐसा मत करना। और उसके बाद मैं करने वाला हूं इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों, मैं बैकग्राउंड में जाता हूं और बैकग्राउंड खत्म करने वाला हूं, और उसके बाद मैं कुछ करने वाला हूं यहां पे। जो इसका बैकग्राउंड है मैं यूज करूंगा यहां पे आप लोगों के सामने, जो वेबसाइट का बैकग्राउंड है यानी कि कलर लोगों का कॉम्बिनेशन है, मैं वही यूज करने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर यूज कर लिया है। और फिर उसके बाद एक फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब है यानी कि आपका जो बॉडी का टेक्स्ट है वो आप कैसा रखने वाले हो, वही सेम चीज है, यानी कि मैं ये टेक्स्ट फॉन्ट यूज कर रहा हूँ तो मैंने इसको रख लिया है यहाँ पे। और इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं, आप लोग देख सकते हो। और सेम वे में जो बटन है आपका, आप लोग उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कि उसका साइजेस आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हो, उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हो और उसको बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टॉप बैटिंग सब ठीक है, सब बढ़िया है। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में दोस्तों आप लोगों को एक काम और करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाने हैं डबल कोट्स में, जिससे कि लगे कि ये जो है एक टेस्टिमोनियल है और हम इसको यूज कर रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हो मैंने टेस्टिमोनियल यहाँ पर यूज इजीली कर लिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको यूज कर भी लिया है। और अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, आसान शब्दों में मैं कहूँ तो मैं यहाँ पर एक इमेजेस भी लगाना चाहता हूँ। और इमेजेस का जो सेक्शन है मैं करने वाला हूँ, ये जो टेक्स्ट बुल है, मेरी एक वेबसाइट थी मैंने यहाँ पर इसको बनाया था, मेरी क्लाइंट की वेबसाइट थी, मैं यहाँ से एक इमेज लेने वाला हूँ, ये वाला क्लाइंट गूगल रिव्यू का एक आइकन होता है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि टेस्टिमोनियल में थोड़ा और यूनिकनेस, थोड़ी सी और जान आ जाए, थोड़ा और अट्रैक्टिव और क्रिएटिव लगे वो, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको ऐड भी कर दिया है दोस्तों, आप लोगों के सामने है सब कुछ,
ऐड मैंने कर दिया है और ये थोड़ा बड़ा है, हटा देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और मैं यहाँ पर अब इसको कुछ नहीं करने वाला हूँ। और जस्ट सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं इसको यहाँ पर सेव करने वाला हूँ। एक स्लाइडर मैंने ऐड कर दिया है, ऐसे ही मैं दूसरा स्लाइडर अब ऐड करने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि दूसरा टेस्टिमोनियल ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग इजीली स्लाइडर फंक्शन को यूज करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में टेस्टिमोनियल भी ऐड कर सकते हो, या मैं कहूँ आसान भाषा में कि बहुत आसान है, आप लोग अगर टेस्टिमोनियल यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से, इस मेथड के थ्रू आप लोग टेस्टिमोनियल यूज कर सकते हो। या फिर आप लोग टेस्टिमोनियल से रिलेटेड वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे प्लगइन आते हैं दोस्तों, आप लोग उनको भी यूज कर सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे टेस्टिमोनियल को ऐड करते हो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन मैं डिवी थीम यूज कर रहा हूँ, और डिवी थीम के अंदर अगर ये चीजें हैं अवेलेबल तो मैं एक्सटर्नल प्लगइन यूज क्यों करूं जब ऑलरेडी है, तो आप समझ रहे हो, जब ऑलरेडी है चीजें तो मैं क्यों यूज करूं। इन्हीं चीजों को यूज कर अगर मेरा काम चल रहा है, अगर क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्लगइन होंगे उतना ज्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ने वाला है दोस्तों, और जितना कम प्लगइन होगा उतना कम बटन होगा, और उतना कम बटन होगा उसका मतलब है कि आप लोग उतना ही कम इंस्टॉल करने वाले हो, मतलब उतना ही आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो फास्ट होने वाला है। तो मैं क्यों बटन डालूं, मैं क्यों बटन डालूं जब ऑलरेडी सब चीजें हैं मेरे पास, तो मैं बटन नहीं डालने वाला हूं। और आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों ने टेस्टिमोनियल ऐड कर दिए हैं, और मैं यही कहूंगा जैसे ये क्लाइंट है मेरा, यहाँ पर आप लोग टाइटल में ये चीजें ऐड कर सकते हो जिससे कि पता लगता रहे कि ये चीज है क्या, क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर अब मैं इसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे कि और अच्छा लगे ये, इसको बोल्ड कर देता हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस बोल्ड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग एक अच्छा खासा टेस्टिमोनियल ऐड कर पाओगे, और मैंने इजीली कर भी दिया है, आप लोग देख सकते हो कि कितने आसान तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया है। और मैं इसका टेक्स्ट फोन कर देता हूँ क्योंकि मुझे और भी उनमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे बाद में आइडिया आया है आप लोगों के सामने, मैंने इसको ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। इसीलिए आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये चीजें आप लोग देख लो, यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ऐड कर रहा हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर इसको फिनिश कर देता हूं, आप लोग देख सकते हो इजीली आसान भाषाओं में। और यहाँ पर आपको एक चीज और करनी है, यानी कि आप चाहते हो जो आपके टेस्टिमोनियल हैं वो ऑटो रोटेशन होते रहे कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो आप कर सकते हो, वरना यहाँ पर स्लाइडर है, वन बाय वन आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर और स्लाइडर देखने हैं। लेकिन दोस्तों दोस्तों इतना क्लाइंटों के पास, कस्टमर के पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए ऑटोमेशन पे जाना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेशन एनिमेशन आप लोगों को करना है। अब ये स्लाइडर, ये जितने एनिमेशन हैं ये ऑटोमेटिकली मूव करते रहेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद, ये ऑटोमेटिकली रोटेट होते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग, मैं कह सकता हूं कि इस मेथड को यूज करके इस तरीके से आप लोग स्लाइडर यूज कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। मैं एक काम और करने वाला हूँ, जो इसका बॉर्डर और टॉप स्पेस है वो मैं बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ दोस्तों, जिससे कि ये और ज्यादा आसान हो जाए और ज्यादा अच्छा लगे आप लोगों के लिए। और मैं एक काम, मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए, इसका जो रो का है इसका भी मैं कॉलम और बॉटम को जीरो कर देता हूँ दोस्तों, तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं इसको अब करने वाला हूँ 100% वेट पे। 100% वेट पे करने से आपको क्या फायदा होगा वो अभी आपको पता लगने वाला है कि क्या फायदा होने वाला है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो
कि अब इसके दो सेक्शन बन चुके हैं, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन यहाँ पर मैं कुछ और समथिंग डिफरेंट यूज करने वाला हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग यूज करने वाला हूँ, वो भी रोटेशन पर दोस्तों। जी हाँ, मेरा टेस्टिमोनियल और ब्लॉगिंग सेक्शन एक साथ बनने वाले हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर भी जो देख सकते हो एचटीएमएल सेक्शन में, यहाँ पर ये ब्लॉगिंग हो रखा है, यहाँ पे एक क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है, कुछ इस तरीके से ही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अब आसानी से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर आप डिवी थीम यूज करते हैं तो इजीली आप लोग अपनी वेबसाइट में क्लाइंट के टेस्टिमोनियल ऐड कर पाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको लोगों अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आए दिन आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी चीजें रेगुलर मिलने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का टाइम आ गया है और नई वीडियो के साथ नई शुरुआत करेंगे इस वेबसाइट में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपना खुद का वेबसाइट रीडिजाइन कर रहा हूँ वर्डप्रेस में दोस्तों, और उसका लाइव पूरा वेबसाइट मेकिंग जो स्क्रैचिंग से सिखाने की कोशिश है मेरी, आप लोगों को एक एक चीज अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश है मेरी और सिखा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आप लोग फेस कर रहे हो तो मुझसे जुड़ जाओ, मैं आपको 1-to-1 जुड़ जाऊंगा आप लोगों के साथ और आप लोगों की हेल्प करूंगा दोस्तों। और ये जो चीजें हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री हैं, मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूं, मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में एक वेबसाइट मेकर बनाने का मेरा एक ड्रीम है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं। बुलंदशहर में जितने लोग ये चीजें सीखना चाहते हैं मेरे लिए बहुत भाग्यशाली भाग्य है मेरा कि मैं उन लोगों को ये चीजें सिखा पाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।